दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को एक शख्स ने रोड शो के दौरान थप्पड़ मार दिया। यह घटना उस वक्त हुई जब अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बृजेश गोयल के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाला शख्स उनसे नाराज था। नई दिल्ली लोकसभा सीट से मोतीनगर इलाके में अरविंद केजरीवाल खुली गाड़ी में रोड शो कर रहे थे। उसी वक्त एक युवक ने अचानक उन्हें थप्पड़ मार दिया। अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारने वाले शख्स का नाम सुरेश बताया जा रहा है, जो दिल्ली के कैलाश पार्क इलाके का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। अरविंद केजरीवाल की गाड़ी पर चढ़कर उन्हें थप्पड़ मारने के बाद उस शख्स को आप कार्यकर्ताओं ने नीचे गिरा लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।